कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबिज से आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले और बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बहुत ही लेजेंड अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ अरसे से अलील थे और वो पाकिस्तान में हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने उनको अमेरिका ले जाने के लिए फ़ैसला किया था और हुकूमत से उमर शरीफ ने अपील की थी कि उनकी मदद की जाए। इस मामले में हुकूमत ने भी उनका साथ दिया और एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान मंगवा ली गई, लेकिन इसी दौरान उमर शरीफ की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से एयर एम्बुलेंस को वापस जाने को कहा जाने लगा। लेकिन फिर उमर शरीफ की तबीयत थोड़ी संभली तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना किया गया। अभी उमर शरीफ अमेरिका नहीं पहुंचे थे, रास्ते में उन्होंने जर्मनी में स्टे किया था और जर्मनी में वो हॉस्पिटल में थे कि जर्मनी में ही वो इंतकाल कर गए। उमर शरीफ के बारे में हम आपको बताते चलें कि वो दिल और गुर्दे के अमराज में मुब्तला थे और उनका कुछ अरसे से मुसलसल इलाज चल रहा था। अमेरिका में उनका इलाज अदाकारा रीमा के शोहर, जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने करना था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही वो जर्मनी में ही इंतकाल कर गए। रज़ाए इलाही से उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल पर पूरी ही शोबिज़ इंडस्ट्री सोगवार है, क्योंकि वो कॉमेडी के बेताज बादशाह थे और बहुत ही सीनियर अदाकार थे। उनके चाहने वाले इस वक्त बहुत ही सोगवार हैं और अदाकार से इजहार अफसोस कर रहे हैं। अदाकार की तीसरी बीवी जरीन ने बयान दिया है कि उमर शरीफ रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ, जो कि लंबे अरसे तक पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, उनके बारे में शोबिज़ सितारे सोगवार हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में उमर शरीफ की वफात से होने वाले खला को कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। इसी खबर के साथ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करें। आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करूँगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।